हर्बल टीज। अब हमें बहुत सारी हर्ब्स के बारे में पता चला और कुछ हर्ब्स के बारे में मैं आपको आज भी बताऊंगी। मैं मोस्टली प्रेफर, देखो मैं आपको ना ऐसी हर्ब्स बता देती हूँ जो हमें इंडिया में मिलेंगे ही नहीं, लेकिन उसको बताने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सिर्फ उन हर्ब्स के बारे में बताऊंगी जो आप खड़े हो अपने किचन में जाए उठा के ले आए, है ना। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हर्ब्स जो हमारे किचन में नहीं होते, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू अबाउट दैट, और अभी और भी बताऊंगी, लेकिन मोस्टली कोशिश यही की है जो आपके पास अवेलेबल है हम वही करें। अब टीज में क्या करेंगे, हम हर्बल टीज कैसे बनाएंगे, हर्बल टी होती क्या है। हर्बल टी 4 तरीके की पत्तियां होती हैं, ब्लैक, ग्रीन, ऊलोंग एंड व्हाइट टी। ऑल आर मेड फ्रॉम द सेम श्रब कॉल्ड कैमेलिया साइनेसिस। सब एक ही तरीके से बनती है, लेकिन ये अलग अलग क्यों हो जाती है, इनके बनने का जो प्रोसेस होता है ना उसकी वजह से ये अलग अलग हो जाती है। बेसिकली जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, कि कोई ऑक्सीडेशन क्या करती है, किसी चीज को काला कर देती है ना, उसका रिएक्शन होता है और किसी भी चीज को पका देती है, काला कर देती है। जो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा तो उसका मतलब उतने ही टाइम पीरियड के लिए वो नेचुरली बेक हुई है, वो नेचुरली प्रोसेस हुई है, तो वो ब्लैक टी जो लास्ट जाके बनती है वो है ब्लैक टी। और फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी चीज का व्हाइट टी। व्हाइट टी क्या होती है, जब हम नेचुरल कैमेलिया सिनेंसिस की पत्तियां जो लेते हैं, हम उसको जब प्रोसेस करते हैं, है ना, उसको प्रोसेस इतना नहीं करते, वो जो एकदम यंग कैमेलिया जो उसकी पत्तियां होती है यंग प्रोसेस में होती है, वो होती है व्हाइट टी। ईच टी इज प्रोसेस्ड डिफरेंटली एंड आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। व्हाइट टी इज कंसिडर्ड द यंगेस्ट टी है, क्योंकि मैंने बताया यंगेस्ट होती है, क्योंकि सबसे कम प्रोसेस होती है, ठीक है, इसलिए इसको व्हाइट टी कहते हैं। लीव्स बीइंग द लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड एंड द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड बीइंग द ब्लैक टी व्हिच इज फुली फर्मेंटेड। अच्छा, अब क्या है, ब्लैक टी क्या है, वो पूरी की पूरी फर्मेंटेड होगी, क्योंकि ब्लैक टी का टेस्ट आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा और व्हाइट टी का आपको टेस्ट आएगा बहुत माइल्ड। जितना ज्यादा फर्मेंट होगा उतना ज्यादा आपको कड़वा बिटर टेस्ट देगी, है ना, ये बात है ना। हम लोग जो पीते हैं, जो इंडिया में नेचुरल चाय बनाकर पीते हैं, दूध की चाय बनाकर पीते हैं, हम लोग मोस्टली क्या लेते हैं, उसके अंदर कौन सी लेते हैं, कोशिश करते हैं काइंड ऑफ अ ब्लैक टी जो सबसे ज्यादा डार्क कलर देती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देती है, ठीक है, लेकिन हम उसको मिल्क के साथ ऐड करते हैं। मोस्टली ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल ड्रिंक टी विदाउट मिल्क, बिकॉज ऑफ विच वी कैन नो द फ्लेवर एंड द कलर ऑफ द टी लीव्स। वी कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द बेस्ट कलर फ्रॉम द टी लीव्स विदाउट मिल्क। प्रोसेसिंग टी कैन इंक्लूड क्रशिंग, रोलिंग। आपने किसी ने भी कभी, आप गए हो चाय के बगानों में, है ना, बहुत लोग गए होंगे, हम सब ने देखो मोस्टली प्रोसेस हम सब ने देखा होगा। क्या होता है, मैं बहुत बार गई हूँ, मैं आसाम भी गई हूँ, मैं अभी होकर आई थी धर्मशाला, वहां पे चाय के बगान थे, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बहुत लश ग्रीन। वहां से मैं, हम लोग इतने सारे टाइप की टीज लेकर आए वहां पे। क्या मैंने मैंने आसाम में बनते हुए देखा था, बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है, पहले छाटते हैं लीव्स को, अच्छी जो लीव्स होती है उनको मशीन में डांटते, पहले तो वो क्रश होती है ना, उसके सारा फ्लेवर उसी के अंदर, पहले तो वो स्टीट करते हैं, फिर उसी के अंदर वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, अलग अलग कंट्रीज में अब अलग अलग प्रोसेस होता है। अब ये कंट्रीज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा कौन सी टी मिल रही है। इंडिया में आप ब्लैक टी समझ सकते हो कि बहुत मिल सकती है। दार्जिलिंग में जो है टी जो मिलती है, आपके हर टाइप की टी मिलती है, क्योंकि दार्जिलिंग से ब्रिटिशर्स ने दार्जिलिंग में सबसे पहले टी की शुरुआत करी थी। दार्जिलिंग टी आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, जो ऊलोंग टी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। अब ग्रीन टी, सबसे पहले हम आते हैं, जैसे हमने व्हाइट टी की बात करी, व्हाइट टी सबसे यंग टी होती है। अब ग्रीन टी क्या होती है, ग्रीन टी मोस्टली ये कॉन्सेप्ट है चाइना का। इंडिया में ग्रीन टी क्या होता है, हम हर्ब्स और भी मिलाते हैं जो एक्चुअली लीव्स नहीं होती। लीव्स के साथ हम कुछ ऐसी हर्ब्स मिलाते हैं, जैसे जब कोरोना हुआ था सबने काढ़ा पिया था, हम उस चीज को हर्बल, बहुत सारे हर्ब्स को मिलाकर टी बनाने को ग्रीन टी इंडिया में कहते हैं। चाइना में क्या होता है, चाइना में तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा। चाइना में आपको मालूम है ना, हर लोग, सब लोग खाने के बाद ग्रीन टी लेते ही लेते हैं। वहां पे अलग अलग, और कैमोमाइल फ्लेवर में उनका सबसे बेस्ट होता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चाइना में ग्रीन टी तो शुरू से मुझे लगता है कि वो लोग पहले टी बनी होगी फिर चाइना बना होगा इतना ज्यादा फेमस है चाइना में, इतने लोग पीते हैं उसको। तो ग्रीन टी कंटेन्स पॉलीफिनॉल्स विच हैव बीन शोन टू बी हेल्पफुल फॉर मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। हम सब कहते हैं ग्रीन टी बहुत पीनी चाहिए, वेट लूज में भी ग्रीन टी पीजिए। तो क्या करता है ग्रीन टी? क्या करता है, जो हमारे अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, ग्रीन टी उसको टॉक्सिन्स होते हैं, जो चीज एलिमेंट्स हमारी बॉडी में जरूरी नहीं होता, उसको बाहर निकालता है। ठीक है। हेल्पफुल फॉर मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन, ब्लैडर, कोलोरेक्टल, लंग, प्रोस्टेट, स्किन, स्टमक एंड थ्रोट कैंसर। मतलब एवरी काइंड ऑफ, मोस्टली एवरी काइंड ऑफ कैंसर, मतलब जो किसी ऑर्गन से कनेक्टेड है। पॉलीफिनॉल्स में नॉट ओनली किल एग्जिस्टिंग कैंसर सेल्स बट मे प्रिवेंट न्यू वंस फ्रॉम फॉर्मिंग। आप ये आज गूगल करिएगा कि परसेंटेज ऑफ कैंसर इन चाइना एंड इंडिया। आपको मालूम है, जो लोग चाइना में जैसे जब खाना खाते हैं ना, मोस्टली वो लोग प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं साथ में ग्रीन टी लेते हैं, तो उनको सारा डाइजेस्ट होता है। बेसिकली सारे हर्ब्स मिलते हैं उनको, बहुत सारे हार्मोन्स बाहर से मिलते हैं, डाइजेस्ट होते हैं खाना। इंडिया में अब हमारा जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, हम क्या करते हैं, खाते हैं सो जाते हैं, है ना। चाय लेते हैं तो दूध वाली चाय लेते हैं जो और भी टॉक्सिन्स हमारे डिपॉजिट कर देता है। तो थोड़ा सा ये गर्म पानी का एक हिसाब हो गया कि वी शुड कंज्यूम ग्रीन टी। ग्रीन टी में इंक्रीज योर बॉडीज एबिलिटी टू बर्न फैट क्विकली एंड बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। बहुत अच्छा होता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ हर्ब यू आर एडिंग। आजकल व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हैविंग नेटल लीव्स। देखिए मैं आपको बताऊंगी, एवरी पर्सन शुड अकम्पनी 4 टाइप्स ऑफ हर्ब्स इन देयर एवरीडे लाइफ फॉर देयर बेटर हेल्थ कंडीशन। एक होती है नेटल लीव्स, बिच्छू पत्ती कहते हैं उसे, बिच्छू पत्ती। नेटल लीव्स आपको उस पर बहुत आराम से मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। दिस हर्ब इज वंडरफुल। ये आपकी बॉडी में से जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन इतनी जल्दी से निकालती है, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। यू फील सो सो गुड, नेटल लीव्स। दूसरा होता है शतावरी। शतावरी दिस इज वन ऑफ दैट हर्ब, आप लोगों को लेनी ही चाहिए, हर किसी को, हर किसी को लेनी चाहिए शतावरी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। थर्ड, अश्वगंधा। लोगों के यहाँ पौधे भी होते हैं ना, यू कैन हैव प्लांट ऑफ अश्वगंधा। रोज पे 2-3 पत्ते निकालिए अपने घर में नेचुरली, यू कैन जस्ट क्लीन इट, अच्छे से क्लीन कीजिए, उसकी चाय बना के पीजिए। चौथी, ब्राह्मी। ब्राह्मी, बिलीव मी, जिसके घर में ब्राह्मी का पौधा होता है, ब्राह्मी, ब्राह्मी इज फॉर मेंटल हेल्थ, आपके ब्रेन पे काम करती है। इतनी खुशबू होती है, यू जस्ट स्मेल इट, आपका पूरा गार्डन महकेगा ब्राह्मी से। ब्राह्मी बहुत ही ब्यूटीफुल हर्ब है। इट नॉट ओनली एड्स योर मेंटल हेल्थ, इट ऑल्सो एड्स योर मूड, इट बूस्ट अप योर मूड, इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट टू द डिवाइन पावर्स। पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड को वो एक्टिवेट करती है ब्राह्मी। ठीक है, तो इंडिया में ये एटलीस्ट आप ये सब चीजें लीजिए। और एक चाय बना के पी जाए सबके, या कुछ और तरीके से यूज करना? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, अभी आगे बताऊंगी कैसे करना है। वैसे बस गर्म पानी में ना एक एक करके, ये सब आपको एक साथ नहीं पीना है, कभी कुछ पी लिया, कभी कुछ पी लिया। एक सब हर्ब को आपको लेना है, एक हर्ब को आपको पानी में उबालना है। उबाल के उसको फिर, जैसे एक उबाल आया, मैं आपको बहुत देसी वे में समझा रही हूँ, एक उबाल आया उसको ढक के 10 मिनट के लिए रख दीजिए। क्योंकि असली काम तभी होगा जब वो ढक के रखी जाएगी। जब वो ढक के रखी जाएगी ना, तो उसका जो एसेंस होता है ना, वो पानी में तब आएगा। उबालने, बॉईल करने भी नहीं आता उसको। जब हम रेस्टिंग टाइम देते हैं ऑफ 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद आता है उसका एसेंस। और बिफोर पुटिंग इट इनटू द वाटर, यू हैव टू एनर्जाइज दैट द वे आई टोल्ड यू फॉर द बेस्ट पर्पस ऑफ योर हेल्थ, है ना। लेडीज के लिए पीसीओडी, पीसीओएस, आपका कोई भी ओवेरियन प्रॉब्लम है, कोई भी आपका, जेंट्स के लिए कोई भी ऐसा जो लोअर स्टमक प्रॉब्लम है, सारी की सारी शतावरी, अश्वगंधा। अश्वगंधा आपकी बेसिक मेटाबॉलिज्म, बेसिक हेल्थ को आपको बहुत एनहेंस करती है। ये रामबाण कुछ हर्ब्स हैं जो यू शुड ऐड इनटू योर डेली रूटीन। ठीक, हाँ। और जो नेटल लीव्स हैं, नेटल लीव्स आपकी स्किन क्लियर कर देंगी, स्किन पे से सारे टॉक्सिन हटा देंगे, आपके बाल बहुत सुंदर कर देंगे। ग्रीन टी में इंक्रीज योर बॉडीज एबिलिटी टू बर्न फैट, ऑफ कोर्स, क्योंकि ग्रीन टी से आपका एक्सेस फैट हट जाता है। ग्रीन टी कैन हेल्प रिड्यूस योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे काम करते हैं, बैलेंस हार्मोन्स काम करेंगे, तो कोई भी बीमारी, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज हो, नहीं होगा। ग्रीन टी कंटेन्स कैचेंस which are antioxidants, they can protect cells from free radicals and protect cells from damage. पता है हमें छोटी छोटी हम जो हरकतें करते हैं अपने साथ, जैसे ग्रीन टी पी ली, अभी हमें पता नहीं चलेगा इसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, बट इन द लॉन्ग रन, एंड दैट टू एनचांटेड ग्रीन टी. आप सोचिए एनचांटेड में आप क्या कर रहे हो, आप एक एनर्जी डाल रहे हो और उसको पूरा आप अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हो. आप एक प्राण शक्ति, हमारी ह्यूमन बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि हम लोग नेचुरल वे में प्राण शक्ति को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब ब्लॉकेजेस हमारी नाड़ियों में आ जाते हैं तो वो प्राण शक्ति का फ्लो थोड़ा सा रुक जाता है. लेकिन जब हम एनचांटेड हर्ब को कंज्यूम करेंगे तो वो प्राण शक्ति हम बाहर से तो आ ही रही है, हम इसको अलग से भी एडिशनली ले रहे हैं, तो जो ऑलरेडी ब्लॉकेजेस हैं राइट, वो आपके ओपन होंगे. ठीक है, ग्रीन टी दैट इज गुड क्वालिटी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हेल्थीएस्ट बेवरेजेस टू ड्रिंक डेली, इवन थ्राइस अ डे. You can even take it thrice a day. Make sure you choose tea from a reputable source. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, कभी भी जो हमें मिलते हैं ना डिप वाले पाउचेस, कभी यूज मत कीजिए, नेवर इन लाइफ. डिप पाउचेस टोटली नो, क्योंकि डिप पाउचेस का जो पेपर होता है और डिप पाउचेस की जो चाय होती है उसके अंदर वो केमिकल, कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव केमिकल डालते हैं, इट हैज केमिकल टू प्रोटेक्ट द टी फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर्म, जो इसको जो भी मतलब कंटेमिनेट ना हो, तो वो केमिकल एडिड होते हैं. आपको अगर ग्रीन टी यूज करनी है तो जो खुली लीव्स मिलती हैं यू शुड ऑलवेज यूज दैट. प्लीज से कंप्लीटली नो टू पेपर, जो टी बैग्स होते हैं, टी बैग्स सबसे ज्यादा गलत तरीका है चाय लेने का. टी बैग्स कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपको केमिकल्स अंदर पहुंचाएगा. नेवर यूज टी बैग्स. ब्लैक टी ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना. अब हमारा हो गया ग्रीन टी, हमारा हो गया व्हाइट टी, अब ब्लैक टी भी कहाँ से आई? ब्लैक टी भी चाइना से आई, ब्लैक टी का चलन चाइना से आया. इट डिफर्स फ्रॉम व्हाइट एंड ग्रीन टी बिकॉज द टी लीव्स आर अलाउड टू बी फुली ऑक्सीडाइज बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड. उसको फर्मेंट होती है, वो पूरी ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, फर्मेंट हो जाएंगी, फिर प्रोसेस होंगी. ब्लैक टी हैज स्लाइटली मोर कैफीन Then green and white tea. Drinking black tea can help reduce the formation of plaque in your mouth. जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल, टोबैको है ना, टोबैको पत्ती तो है, हर्बी तो है, लेकिन क्योंकि उसके अगर हम बेसिकली डिपेंड करते हैं कितना टोबैको ले रहे हो. टोबैको आपके लिए एक दवाई का भी काम करता है जब आप बहुत छोटा सा एक पत्ती, क्योंकि उसको बहुत हाई इसका कंसंट्रेशन होता है एक पत्ती में. अगर किसी को दांतों में कोई दिक्कत है तो टबैको लेने से पूरा क्लीन हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, डॉक्टर्स खुद एडवाइस करते हैं. लेकिन अगर टबैको आप ज्यादा खाओगे तो वो आपके लिए एक पॉइजन जैसा काम करेगी. तो हर्ब के अंदर भी ऐसे ही होता है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट क्वांटिटी यू आर यूजिंग, इट कैन बी अ बून और बेन टू यू. दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपके लिए फायदा भी हो सकता है, नुकसान. थोड़ी क्वांटिटी में लो तो फायदा, ज्यादा आप उसकी हैबिट डालेंगे तो वो एक एडिक्शन हो जाएगा. तो जो ब्लैक टी होती है, ब्लैक टी में जो कैफीन होता है, इट हेल्प्स टू कीप योर गम्स एंड माउथ हेल्दी. ठीक है, इट कैन ऑल्सो हेल्प टू कीप योर ब्रेथ फ्रेश. क्यों? क्योंकि वो फर्मेंट हुई हुई है, वो ज्यादा प्रोसेस्ड है और ऑक्सीडाइज्ड है, तो उसके अंदर क्या है, कैपेसिटी टू क्लींजिंग एजेंट ज्यादा है. ब्लैक टी में हेल्प लोअर योर रिस्क ऑफ स्ट्रोक इफ यू आर कंज्यूमिंग 3 कप्स डेली, और ये ग्रीन टी के साथ भी है, हार्ट अटैक के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं. ब्लैक टी हैज फाइटोकेमिकल्स दैट हैव बीन शोन टू बी बेनिफिशियल फॉर बोन हेल्थ. फाइटोकेमिकल्स जो बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. ब्लैक टी तो ओवरऑल बहुत हेल्दी ही होती है, वो एक्चुअली इस फॉर्म में बन जाती है कि आपके हेल्थ को अच्छा करती है. ब्लैक टी कंटेन्स एन अमीनो एसिड कॉल्ड एल-थेनाइन विच हैज अ रिलैक्सिंग क्वालिटी. इट कैन हेल्प लोअर स्ट्रेस लेवल्स. एल-थेनाइन तो आप सबको मालूम है स्ट्रेस के लिए होता है. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट बेसिकली ये टैबलेट्स देते हैं, है ना, एंटी एंजाइटी टैबलेट्स. ब्लैक टी कंटेन्स एल्केलामाइन एंड एंटीजेंस व्हिच कैन स्ट्रेथन योर इम्यून सिस्टम. बेसिकली ब्लैक टी बहुत अच्छी होती है आपको बीमारियों के लिए, छोटी मोटी जिसमें इम्यूनिटी की बीमारी होती है, कोल्ड, फ्लू, छोटा मोटा बुखार, ये सारी ब्लैक टी से हट जाता है. तो हम क्या करते हैं, ब्लैक टी हम बुखार में क्या लेते हैं, हम अपनी हर्बल टी बनाते हैं, हम जिसको काढ़ा कह देते हैं बेसिकली, है ना, काढ़ा कह देते हैं. अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि टी के अंदर ना डायरेक्ट आप तुलसा मत डालिएगा, क्योंकि तुलसी जो बेसिल होती है उसके अंदर मरकरी होती है जो आपके दांतों को खराब करेगी. तो तुलसी आप चबाएंगे नहीं, उसकी पत्तियों को उबाल के निकाल देंगे. ठीक है, दांतों से नहीं चबाना कभी भी. ब्लैक टी डाइजेशन इंप्रूव करती है। अब व्हाइट टी ओरिजिनेटेड इन एशिया एंड इज द लीस्ट प्रोसेस टी, जो हमें पता ही है कि यंग टी होती है। व्हाइट टी कैन एलिवेट योर एनर्जी लेवल्स। बेसिकली वो पता है क्या होती है, देखिए व्हाइट टी क्या होती है, उसको थोड़ा थोड़ा माइल्ड फ्लेवर आता है जो आपके मूड को एनहेंस कर देता है। आपके सारे सेंसेस, कौन कौन से सेंसेस में जाता है, आपके स्मेल में, आपकी आईज के अंदर, आपके एहसास में, मतलब एक इमोशनल, तो ये सारी चीजों को वो स्टिमुलेट करता है। व्हाइट टी कैन कंट्रीब्यूट टू अ क्लियर एंड इवन यस स्किन कॉम्प्लेक्शन के अंदर भी हेल्प करता है। एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। स्किन कंडीशंस लाइक एक्जिमा, रोसेशिया, ड्यू टू इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, व्हाइट टी इन सब स्किन के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस में भी हेल्प करता है व्हाइट टी, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा, उसका माइल्ड माइल्ड फ्लेवर आपके डाइजेशन सिस्टम में और हार्मोन्स ऐसे सिक्रीट करेगा। बेसिकली मैं आपको ना एक ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सब पढ़ लेना, लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि जो ग्रीन टी होती है हर्ब्स के साथ, जो हम पानी बॉइल करके जो टी बनाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ ऊलोंग टी। ऊलोंग टी क्या होती है, ये भी चाइना से आई है। चाइना ही भैया टी का प्रोड्यूसर है। चाइना ने हमें आदत डाली है, भाई चाइना आप टी पियो। सेमी ऑक्सीडाइज्ड होती है ये। ऊलोंग टी शेयर्स मोस्ट ऑफ द सेम बेनिफिट्स, मोस्टली सब जैसी होती है, ये सारी उसके अंदर वही केमिकल होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, आप उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन ये थोड़े से और होते हैं। ऊलोंग टी में हेल्प ब्रेन फंक्शन, इंप्रूविंग कॉग्निशन एंड मेमोरी। ऊलोंग टी में मुझे जो मालूम है, आप